Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss basic properties of nucleus. So this video is very helpful to all of you which wanted to learn the basic things of nuclear physics. So सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि क्यों हमें न्यूक्लियर फिजिक्स की ज़रूरत पड़ी या उसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए. तो बात वहाँ से आती है कि ये न्यूक्लियस के लिए ही आया था, न्यूक्लियस के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है न्यूक्लियर फिजिक्स. तो न्यूक्लियस की स्टडी के लिए एक्चुअली ये आया, और न्यूक्लियर फोर्स भी उसी तरीके से, जैसे अगर हमें इंट्रैक्शन की बात करनी हो तो हम क्लासिकल की चीज़ें पढ़े हैं, क्लासिकल में हम क्लासिकल का फोर्स पढ़े हैं जो न्यूटोनियन का फोर्स है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी चीज़ें. तो हमने देखा था कि जो क्लासिकल फिजिक्स था वो था एक तरह से मास के ऊपर, या किसी का अगर मैटर है उसके पास मास है तो हम क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई करते हैं वहाँ पे. वहाँ पे न्यूटन का फोर्स लगता है. उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं तो वहाँ पे कूलम्स लॉ लगता है. जहाँ कहीं चार्ज हो तो कहीं भी अगर दो चार्ज आते हैं तो वहाँ कूलम्स लॉ अप्लाई होता है. उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा था. तो जहाँ भी था वो सारी या तो चार्ज पे डिपेंडेंट्स थे या तो फिर वो मास पर डिपेंडेंट फोर्स थे. लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एटॉमिक स्केल का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारे पार्टिकल्स हैं जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर आते हैं या उसके अंतर्गत में आते हैं, तो इनकी जब हम स्टडी करने आते हैं तो जब हम फोर्स की बात करते हैं, जैसे न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के साथ फोर्स या न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के साथ फोर्स, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर हर तरीके का इंट्रैक्शन पॉसिबल है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंट्रैक्शन भी हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी इंट्रैक्शन हो सकता है. क्योंकि ये सारे आपस में पार्टिकल हैं तो इंट्रैक्शन तो किसी का किसी से भी हो सकता है. तो अगर इस तरीके से हुआ तो हम मान सकते हैं यहाँ पे तो दो चार्ज दिख रहा है, यहाँ कूलम्स लॉ अप्लाई हो जाएगा. यहाँ भी दो चार्ज दिख रहा है, यहाँ भी कूलम्स लॉ अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा? अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में इंट्रैक्शन करें तो हम यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है. तो अगर इस पर चार्ज नहीं है तो इसके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, ये आपस में किस फोर्स के अंतर्गत इंटरेक्ट करेंगे, तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता हमें, चाहे वो क्लासिकल हो, क्लासिकल फिजिक्स हो, या आपका इलेक्ट्रो स्टैट हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटो या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स. तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा है वो सारा काम नहीं आता है, जो हम जिनके फोर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं है, ये फोर्स हमारा चार्ज के लिए लगता है, ये मास के लिए होता है. तो यहाँ मास का अगर हम फोर्स लगाएं कि हम इस पर ग्रेविटी की बात करें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए, तो इसका मास इतना छोटा है, न्यूट्रॉन का मास छोटा क्या कम है, इतना कम है कि ये करीब 10^-27 किलोग्राम के ऑर्डर का है. तो यहाँ पे ग्रेविटी को लगाना कि एक न्यूट्रॉन का मास ये हो गया और दूसरे न्यूट्रॉन का मास भी लगभग यही होगा, तो इनके बीच अगर हम फार्मूला लगाएं अपना ग्रेविटी वाला, gm1m2/r², ठीक है, कैपिटल जी है ये. सो एफ इक्वल टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी है, और m1m2. तो यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला लगाएं न्यूट्रॉन के लिए तो जो वैल्यू आएगी वो इतनी छोटी आएगी कि उसका कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा. क्योंकि 10^ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जी होता है इसका भी ऑर्डर कुछ 10^-11 होता है, उसी तरीके से इन दोनों का पावर भी बहुत कम है. तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये एक मीनिंगलेस आएगा, तो हम समझ सकते हैं कि ये नहीं लगा सकते इस लेवल पे. वैसे भी क्लासिकल का जो रेंज है वो हैवी बॉडीज़ के लिए है, जिनका मास ज़्यादा हो वहाँ पे अप्लाई होता है. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक वगैरह ये सारी चीज़ें चार्ज के लिए है, चार्ज मोशन में है, रेस्ट में है, इस हिसाब से डिसाइड होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ें या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू पढ़ें. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जब असफल हुई तो एक नई तरीके की चीज़ ईजाद हुई, जो जिससे हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत हुई, क्वांटम फिजिक्स एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स. तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वहाँ इंट्रैक्शन चार्ज से भी हो सकता है, विदाउट चार्ज भी हो सकता है, यानी जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस होते हैं. तो वहाँ पे चार्ज अगर नहीं भी होगा, चार्ज से इंडिपेंडेंट भी हैं, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का इंट्रैक्शन, तो ये एक टाइप का न्यूक्लियर फोर्स है, या न्यूक्लियर के थ्रू
न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें एक नई चीज़ पढ़नी पड़ी, तो वही नई चीज़ है ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स आता है वो एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो एटम्स को बाइंड किए हुए रहता है। जैसे हम ये मानते हैं कि जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इनके अंदर, जैसे ये तो एक तरह से उदासीन है, न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन तो इसमें बहुत सारे हैं। जितने ज़्यादा, जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि कितने पॉसिबल्स हैं, पॉसिबिलिटी इंट्रैक्शन के, प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का इंट्रैक्शन है। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि ये दोनों एक तरह से न्यूट्रल है। तो अगर हम कूलम्स की लॉ की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन में तो रिपल्सन होना चाहिए, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और यहाँ तो कूलम्स लॉ अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि सिंगल चार्ज कोई फोर्स जनरेट नहीं करता, न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स ही नहीं है। तो ये लेकिन रिपल्सिव फोर्स है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे यहाँ एक जो बड़ा रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, लेकिन इस रिपल्सिव फोर्स के बावजूद न्यूक्लियस को हम स्टेबल मानते हैं। ज़्यादातर न्यूक्लियस स्टेबल है, जो 80 या 80 के आसपास से नीचे हैं, जो शुरुआती हैं, जिनका मास बहुत छोटा है, कम है, तो वो सारे स्टेबल की कंडीशन में आते हैं, स्टेबिलिटी शो करते हैं। वहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो भी लगभग 1 के आसपास है, तो लेस देन क्या, हम लगभग 1 कहेंगे उसको इनिशियली। तो ये सारे स्टेबिलिटी को शो करते हैं। जिस भी न्यूक्लियस के लिए ये कंडीशन आती है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 के अराउंड होता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बजाय कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर देन हो या और ज़्यादा हो इस तरीके से। तो ऐसे केसेस में हमें एक नई फिजिक्स की ज़रूरत पड़ी। तो अब फिर हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि जहाँ रिपल्सिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इस रिपल्सिव फोर्स के बावजूद अगर ये स्टेबल है तो ज़रूर इसके ऊपर कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा होगा जो इसको बाइंड किए हुए होगा। तो इस रिपल्सिव के विरुद्ध एक नया फोर्स होगा जो किस तरह का होगा, अट्रैक्टिव टाइप का होगा। कोई अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा जो रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा, तभी तो वो बाइंड किया हुआ है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जिसकी स्टडी हम करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी, हम फिलहाल बेसिक चीज़ें अभी पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी, फिर उसका साइज़ और कुछ शेप के आइडियाज़ के बारे में, एंड देन उसका जो एज्यूम्ड मास है या इफेक्टिव मास, देन मास डिफेक्ट, ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्कवरी की, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के बाद आती है, जो 1911 में हुआ था, 1911 में। तो इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने ये शो किया था जो अल्फा किरणों के स्कैटरिंग के लिए था। तो इसमें उन्होंने दिखाया था कि जब उन्होंने एक न्यूक्लियस के ऊपर जब अल्फा रेज की बमबारी किया, बहुत सारे अल्फा रेज, और अल्फा रेज जो होता है वो पॉजिटिव टाइप का होता है, तो एक तरह से ये पॉजिटिव रे है, पॉजिटिव नेचर के। और ये सपोज करिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस के ऊपर उन्होंने न्यूक्लियस को टारगेट किया, ये हमारा एक तरह से टारगेट था, और अल्फा रे से जब बमबारी हुआ या अल्फा पार्टिकल के थ्रू बमबारी हुआ, रेज एक तरह से पार्टिकल्स ही होते हैं, बहुत छोटे छोटे, वो जो दिखाई नहीं देते तो हम उसको रेज बोल देते हैं, एक्चुअली ये पार्टिकल्स ही होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको रेज या रेज हम बोल सकते हैं।
तो जब ये इस पे स्केटर हुआ या एक तरह से टारगेट पे इंसिडेंट हुआ, तो होता क्या है कि जब हेड ऑन कोलिजन होता है तो ये यहीं से वापस हो जाते हैं, कुछ जो किनारे से इस पे टकराए वो इस तरह से चले गए, कुछ इस तरीके का रहा इस तरीके से। तो उन्होंने देखा कि बहुत एक ज़बरदस्त रिपल्सन टाइप का फील आ रहा है इस अल्फा रे के ऊपर, वो स्केटर कर जा रहा है। तो उन्होंने ये कंसेप्ट लगाया कि ज़रूर यहाँ पे कोई सेम नेचर का होगा, तभी तो रिपल्सन आ रहा है। अगर सेम नेचर का कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होता या सेम नेचर की यहाँ पे कोई बॉडीज़ नहीं होगी सेम नेचर का, तो ऐसा स्केटरिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे स्केटरिंग होने का एक ही मतलब है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी जो रे है जो हम इंसिडेंट करा रहे हैं वो पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पे न्यूट्रल होता तो जो रेज थी वो सीधी निकल जाती। अगर कोई न्यूट्रल से गुजरेगा तो वहाँ पे कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी नहीं होगा, तो जितनी रेज आ रही थी उनको सीधे चले जाना चाहिए था। अगर हम न्यूट्रल की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हाइपोथेसिस से सबसे पहले हम न्यूक्लियस के लिए यही थेसिस पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। तो इसमें ये माना जाता था कि जो एटम था वो स्टेबल है और वो न्यूट्रल है। जो एटम का बिहेवियर था उसको हम मानते थे कि वो न्यूट्रल है। और उस समय तक ये भी था कि इलेक्ट्रॉन हमारा लाई करता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके हिसाब से ये न्यूट्रल था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ये क्लियर हो गया कि जो, और उसके पहले ही काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स में ये हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन अंदर लाई भी नहीं करेगा, इसीलिए सारा कुछ क्रिएट करना पड़ा रदरफोर्ड को। तो यहाँ न्यूक्लियस का नेचर पता चला कि ये पॉजिटिव टाइप का कुछ है, तभी तो यहाँ से स्कैटरिंग हो जा रही है। क्योंकि अगर निगेटिव होता तो अट्रैक्ट हो जाती सारी रेज, न्यूट्रल होता तो सीधी निकल जाती, कोई अवरोध उसमें नहीं आता। लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग हुआ, इसका मतलब ये है कि कोई एक ज़बरदस्त पॉजिटिव टाइप का वहाँ पे है जो उसको रिपल कर रहा है। तो इस हिसाब से पता चला कि जो न्यूक्लियस की प्रकृति है वो किस तरीके की है, पॉजिटिव है। यानी जो हमारा नाभिक है वो धनात्मक नेचर का है या धनात्मक नेचर रखता है। और इसका हम जब चार्ज निकालते हैं तो कुछ इस तरह से होता है ZE। तो न्यूक्लियस का चार्ज, या सिंपली हम बोलें ये क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जेड और ई हमारा यहाँ पे चार्ज है, ई चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन और जेड इज द एटॉमिक नंबर, जेड है एटॉमिक नंबर। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव के हिसाब से। तो ड्यूट्रॉन की थ्योरी से भी ये कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहेगा। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। बीटा रे एक्सपेरिमेंट में भी हमने ऐसा देखा है। तो इन सारी चीज़ों से यह कन्फर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर ही रहेगा, यानी जो एटम्स है उसके अंदर केवल प्रोटॉन्स, या न्यूक्लियस की बात करें न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन का नेचर, तो अब न्यूक्लियस जो है उसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जो नई थ्योरी हम अभी चल रही है और जो पढ़ते हैं तो उसमें केवल प्रोटॉन है और जिसका नेचर है पॉजिटिव, और न्यूक्लियस का भी नेचर वही है पॉजिटिव। तो इस हिसाब से ये थ्योरी आज तक एग्जिस्ट कर रही है और ये ठीक है अभी तक। तो ये सारा कुछ सो हुआ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। तो हम डिस्कवरी मानते हैं कि रदरफोर्ड के थ्रू ही हुआ है, रदरफोर्ड। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड के लैब में, और उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह थे जो उनके अंतर्गत रिसर्च कर रहे थे उनके थ्रू किया गया था। चूँकि ये उन्हीं के लैब में था तो उनका क्रेडिट इन्हीं को आया, क्योंकि इन्हीं के गाइडेंस में सारी चीज़ें हो रही थी, वरना एक्चुअली रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। खैर उन्हीं के यहाँ हुआ तो सारी क्रेडिट उन्हीं को है। तो उनकी एक्सपेरिमेंट से ये कन्फर्म रहा कि न्यूक्लियस का जो नेचर है वो पॉजिटिव है। उसके बाद हम बात करते हैं साइज़ के लिए। तो डिस्कवरी कन्फर्म हो गई वो रदरफोर्ड का है जो 1911 में आया। साइज़
साइज़ के बारे में है कि इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है, तो रेडियस के हिसाब से ये निकाला गया। तो एक जनरल फार्मूला मिला था r = r₀ a^3 ये है साइज़ न्यूक्लियर की। एक्स को हम स्फीयर मानते हैं, तो ये जो r है ये रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये जो रेडियस है ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है पूरी तरीके से। यहाँ कोई भी थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं है। सो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। यहाँ पे कोई भी हम थ्योरी कहीं से यूज़ नहीं किए हैं, और अलग अलग एलिमेंट को लेके ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और यहाँ पे ए जो है वो होता है मास नंबर, और आर नॉट है एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू आती है 1.2 या 1.3 × 10⁻¹⁵ मीटर। सो ये है आर नॉट, या इसको हम 1.2 और 1.3 फर्मी होता है, या फेमटोमीटर। 1 फर्मी = 10⁻¹⁵ मीटर। सो ये है साइज। तो ये डिफरेंट एलिमेंट एटम्स को लेके ये मेजरमेंट सारा किया गया। तो एक्सपेरिमेंटली डेटा से जब हम आर नॉट को फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे, r/a⁻³। तो डिफरेंट के लिए हमने ये सारा कुछ रेशियो निकाला, तो हमें ये रिजल्ट मिला आर नॉट। तो ये हमारा कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट की वैल्यू। तो जो साइज़ है वो इस पे है, ये डिपेंड करती है। तो उस दौरान जिस समय रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उस दौरान इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग वगैरह भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये सिंगल ही एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो न्यूक्लियस के ऊपर और भी टारगेट करके, जैसे यहाँ हमने अल्फ़ा रे से टारगेट को इंसिडेंट कराया तो वहाँ स्कैटरिंग हुई, उसी तरीके से कुछ और एक्सपेरिमेंट उस दौरान चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसी तरीके से न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी है। तो वहाँ से हमें ये एक चीज़ का आइडिया लग गया था कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस वो प्रोपोर्शनल है मास नंबर पे। मतलब जितना बड़ा न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जितना बड़ा उसका मास होगा उसका वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा होगा। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई थी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला फार्मूला कैसे आता है। तो हम यहीं से आता है, इसको हम हटा दें। तो ये भी जो था ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है पूरी तरीके से, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जो ए है ये मास नंबर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3πr³ प्रोपोर्शनल टू ए इस तरीके से, या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं r³ इज प्रोपोर्शनल टू ए, या r इज प्रोपोर्शनल टू a⁻³। क्लियर। तो इसको फिर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा r = r₀ a⁻³। तो यही है एक्सप्रेशन जो हम यहाँ पे यूज किए हैं, तो वो यहीं से आता है। इस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास नंबर के। जितना ज़्यादा किसी न्यूक्लियस का मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक टाइप हैं, तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है।
तो इस हिसाब से हमें ये चीज़ें मिली। तो साइज़ के बारे में ये एक्सप्रेशन आइडिया देता है कि हमारा रेडियस कितना ज़्यादा होगा। यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि जितना ज़्यादा मास होगा, जितना बड़ा मास नंबर होगा उतना बड़ा न्यूक्लियस की साइज़ होगी। जैसे हाइड्रोजन वगैरह है तो मास नंबर बहुत कम है, हीलियम जो शुरुआती जितने भी एलिमेंट है हमारे उनका साइज़ बहुत छोटा है, और आगे जाएंगे यूरेनियम थोरियम जो रेडियो एक्टिव है उनका मास नंबर बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वो हैवी न्यूक्लियस माने जाते हैं। तो ये बताता है, ये एक्सप्रेशन आइडिया देता है किसके बारे में, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब बात आती है थोड़ा सा शेप के बारे में। तो शेप तो फिलहाल स्फेरिकल ही माना जाता है क्योंकि हम यहाँ रेडियस फाइंड कर रहे हैं, तो रेडियस स्फीयर का ही हो सकता है, तो ज़्यादातर शेप हम स्फेरिकली ही मानते हैं, स्फेरिकल शेप। लेकिन एक्चुअल में ज़्यादातर पर्पस में हम स्फेरिकल ही मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। थोड़ा सा ये डिफ्लेक्टेड है लेकिन वो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, करीब करीब 10% होता है, तो हम मान लेते हैं कि वो स्फेरिकल टाइप का है। तो शेप के बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया इसके बारे में नहीं है न्यूक्लियस के बारे में। आगे हम जब हायर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम अलग अलग उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से अपना शेप चेंज करता है या शेप उसका थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात है, बेसिक नॉलेज में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, उसकी साइज़ को हम कैसे बता सकते हैं, उसके कुछ आइडिया इस तरीके से ले सकते हैं रेडियस के हिसाब से। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मास के बारे में। न्यूक्लियस न्यूक्लियस मास, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, तो इसका मास यही होना चाहिए। सो एज्यूम्ड न्यूक्लियर मास, सो एज्यूम्ड न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z इंटू एम जेड और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक तरह से, और फिर MN कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा। तो जो एज्यूम्ड न्यूक्लियर मास होगा वो यही होना चाहिए। यहाँ पे जो Z है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एम जेड है मास ऑफ वन प्रोटॉन। उसी तरीके से जो N है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और MN है यहाँ पे मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, तो जो एज्यूम्ड न्यूक्लियर मास है वो बाई थ्योरेटिकल मेथड इतना ही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो इसका मास होता है वो इतना नहीं होता है बल्कि कुछ ये कम होता है, ठीक है। तो जो कमी होती है उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट एक तरह से, तो वो आता है, तो जो इसका तो उसको हम डेल्टा एम से दिखा सकते हैं, वो इक्वल होता है जेड एम जेड प्लस एन इंटू एम एन माइनस सिंपली चाहे तो उसको या रियल न्यूक्लियस मास। तो जो एक्सपेरिमेंटली मास पता चलता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मास का जो रियल मास होता है वो इसके मास से थोड़ा सा कम होता है। एक्चुअली होना इतना चाहिए, बाई थ्योरेटिकल मेथड यही दिख रहा है कि यही होना चाहिए, लेकिन जो रियल मास होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और वो जितना कम होता है उसी को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, और यही टर्म हमारा मास डिफेक्ट कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। और इस मास डिफेक्ट से ही फिर एक नए टर्म की उत्पत्ति होती है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी टर्म बोलते हैं। ये मास डिफेक्ट ही वो टर्म को लाता है,
सो मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एज्यूम्ड न्यूक्लियर मास एंड रियल न्यूक्लियर मास, रियल न्यूक्लियस मास, ठीक है। तो मास डिफेक्ट सिंपली डिफरेंस है एज्यूम्ड न्यूक्लियस मास का और रियल न्यूक्लियस मास का, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। और यही मास डिफेक्ट एक तरह से स्रोत बनता है बाइंडिंग एनर्जी का। तो डेल्टा ई इक्वल टू, हम इस तरीके से इसको निकालते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ऐसा। यहाँ पे सी वही है लाइट की स्पीड और डेल्टा एम जो मास होगा इसका, उस तरीके से डेल्टा एम जो भी यहाँ से आएगा उस वही हमारा एनर्जी के रूप में रिलीज होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ एनर्जी के बारे में, जो न्यूक्लियर एनर्जी टर्म यहाँ पे यूज़ होते हैं। न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी टर्म्स, तो कुछ टर्म्स हैं जिसके फॉर्म में न्यूक्लियर एनर्जी को हम डिनोट करते हैं। जैसे एक तो सबसे जो छोटा टर्म्स है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो इक्वल होता है 10^-19 जूल के, ठीक है, ये है। इसके कुछ अदर टर्म्स भी आते हैं जो 1 kV, कैपिटल होगा ये 1 kV, ये होता है 1.6 × 10^-16 जूल, ठीक है। यहाँ सिंपली लिख सकते हैं 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरीके से इसका बड़ा यूनिट होता है 1 MeV, 10^6 eV, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 × 10^-13 जूल। उसी तरीके से आगे फिर TV, GV, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो न्यूक्लियस के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी टर्म्स हैं जो हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं अलग अलग जगहों पे। एक और यूनिट इसका आता है जो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में है, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम सिंपली AMU भी लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट जो है ये एक तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो 1 AMU होता है MC² के बराबर, जो आइंस्टीन का रिलेशन है। तो जो 1 AMU है वो कहाँ से हमें मिलता है? आइंस्टीन के रिलेशन से मिलता है। यहाँ पे जो M है ये मास ऑफ प्रोटॉन होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम एटॉमिक मास यूनिट को यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ ये मास ऑफ प्रोटॉन है और ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास प्रोटॉन का पता है 1.6 × 10^-27, एंड देन लाइट की स्पीड होती है 3 × 10^8 का होल स्क्वायर। वो सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये करीब आता है 931.47, या डायरेक्ट हम 0.5 भी यूज कर सकते हैं, इतना MeV। सो ये हो जाएगा 1 AMU, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931, इतने से भी कभी कभी काम चल जाता है, 931 MeV या 931.47 MeV। तो ये सारे जो हैं ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं जो न्यूक्लियर में एनर्जी के टर्म में यूज़ होते हैं। ये MeV में था और ये वाला एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसमें ये टर्म यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास AMU में दिया होता है। जब AMU में दिया होता है तो हमें पहले इसमें कन्वर्ट करना होता है, देन हम उसको सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एनर्जी के हैं, ये लगभग सबको याद होना चाहिए अच्छे से, तभी आप इसकी स्टडी कुछ कर पाएंगे न्यूक्लियस का। तो इसके बाद हमारा टर्म आएगा आगे
तो फिलहाल हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ में इतना ही रहने देते हैं। या डेंसिटी एक टर्म है, तो डेंसिटी देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस डेंसिटी, न्यूक्लियस डेंसिटी, तो डेंसिटी जैसे जनरल सा टर्म है, हम इसको डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसी तरीके से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। सो न्यूक्लियर डेंसिटी को अगर हम रो से डिफाइन करें तो ये सिंपली हो जाएगा वॉल्यूम या मास ऑफ, या सिंपल है न्यूक्लियस मास या मास ऑफ द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो ऊपर हम एक तरह से न्यूक्लियस का मास निकाल लेंगे और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास हम लिख सकते हैं ए इंटू एम एन, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है और ये हमारा मास नंबर, और नीचे हो जाएगा 4/3πr³। अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे न्यूक्लियस का तो हम ऐसा लिख सकते हैं। सो यही हो गया हमारा सिंपली, या इसको हम चाहें तो ऊपर लिख लें। सो 3/4, और ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं ए ए ही होगा, ठीक है। सो ए एम एन अपॉन पाई आर क्यूब, ये हो गया एक्सप्रेशन न्यूक्लियस डेंसिटी के लिए, न्यूक्लियस डेंसिटी हम ऐसे लिखें इसको, न्यूक्लियस डेंसिटी, ठीक है। तो ये थी सारी जनरल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद है स्पिन, स्पिन वगैरह आता है स्पिन। तो स्पिन हम जानते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन पार्टिकल होता है, उसी तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हाफ स्पिन पार्टिकल्स होते हैं। फिर उनका कुछ मॉडिफाइड वर्जन आएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और देन उसका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आता है। वो सारे टर्म्स अलग अलग निकाल सकते हैं, तो खैर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये स्पिन वगैरह और फिर एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कहते किसको हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका आएगा पैकिंग फ्रैक्शन एंड देन बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वो जो ग्राफ आता है, जो इंटर लेवल में भी है और आगे भी है बीएससी लेवल्स पे भी, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।